क्राइसिस। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा पर रिलीज होने वाली दो मच अवेटेड फिल्मों के बारे में, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 और दंगल जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है और दुनिया भर में लगभग 2000 से 2500 करोड़ की कमाई कर सकती है। इसमें दोस्तों पहली फिल्म है रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 और दूसरी फिल्म है SS राजामौली सर की फिल्म RRR। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इन दोनों ही फिल्मों का कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन दोनों ही फिल्मों में अपने पहले दिन कौन सी फिल्म बड़ी ओपनिंग लेगी और लाइफ टाइम में किस फिल्म का कलेक्शन ज्यादा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन दोनों ही फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और चाहते हैं दोस्तों कि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली से बड़ी ओपनिंग ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं SS राजामौली सर के डायरेक्शन में बनने वाली हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म RRR के बारे में, जिसके लीड में आपको यंग टाइगर NTR और मेगा पावर स्टार रामचरण सर नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह फिल्म 350 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इंडियन सिनेमा की दूसरी सबसे महंगी फिल्म है, जिसके लीड में आपको साउथ इंडियन सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार्स और बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन सर भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग कई दिनों से चल रही है और इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के स्केल को देखते हुए दोस्तों यह फिल्म इंडियन सिनेमाज में बाहुबली से भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक, जिस तरह के टीजर और जिस तरह का एक्शन दिखाया गया है, वो बाहुबली 2 से भी ज्यादा अच्छा है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट ही होने वाली है। अभी इस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन शूट हो रहा है। जल्द ही दोस्तों इस फिल्म का एक और नया टीजर रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें रामचरण और जूनियर NTR दोनों एक साथ नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों अजय देवगन सर का भी टीजर इस फिल्म से रिलीज किया जाएगा। दोस्तों इस फिल्म को 350 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया है और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 7 अक्टूबर यानी कि दशहरे के मौके पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, जिसे कि लगभग 11,000 स्क्रीन्स वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर मिलेगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को अपने पहले ही दिन तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल सकती है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 220 से 230 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। दोस्तों इस फिल्म के अभी तक 2 टीजर आए हैं और दोनों ही टीजर ऑडियंस को काफी पसंद आए हैं। इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और बात जब हो रही है SS राजामौली सर की फिल्म की, तो दोस्तों SS राजामौली सर की सभी फिल्मों को ऑडियंस पसंद करती है और इनकी फिल्में काफी बड़े स्केल पर बनाई जाती है, जो कि ऑडियंस को पसंद आती है। इसी वजह से दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी लगभग 1500 से 2000 करोड़ की कमाई आसानी से कर लेगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों हम लोग इंडियन सिनेमा की सबसे मच अवेटेड फिल्म बन चुकी KGF चैप्टर 2 के बारे में, जिसके लीड में आपको रॉकिंग स्टार यश, बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और रवीना टंडन जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म के टीजर को 160 मिलियन से ज्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं और 8 मिलियन लाइक्स हासिल हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों इस फिल्म के टीजर ने दुनिया भर के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और दुनिया की सबसे मच अवेटेड फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म को लेकर दोस्तों ऑडियंस के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि आखिरकार रॉकिंग स्टार यश और अधीरा के बीच में जो फाइट सीन्स है वो कौन जीतेगा। अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस फिल्म की, तो दोस्तों ये फिल्म 100 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म है, जिसके लिए 35 करोड़ रुपए तो सिर्फ रॉकिंग स्टार यश ने ही लिए हैं। इस फिल्म को दोस्तों काफी बड़े स्केल पर शूट किया गया है और पिछले 2 सालों से इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म के पहले पार्ट ने 250 करोड़ रुपए की कमाई वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर की थी। वहीं अगर बात करें हम लोग KGF चैप्टर 2 की, तो दोस्तों इस फिल्म का पहले ही दिन का जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन होगा वो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में लगभग 150 से 180 करोड़ का रहेगा और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने पहले दिन 200 से 220 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से कर लेगी। इस तरह से दोस्तों यह फिल्म अपने पहले ही दिन अपने पहले पार्ट के कलेक्शन को पीछे कर चुकी होगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहां पर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शंस की, तो दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म का बज बना हुआ है, रॉकिंग स्टार यश और सुपरस्टार संजय दत्त का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1500 से 2000 करोड़ की कमाई पॉजिटिव रिव्यूज आने के बाद कर सकती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों यहां पर KGF चैप्टर 2 और RRR फिल्म में पहले दिन की बाजी कौन मारेगा और लाइफ टाइम में किस फिल्म का कलेक्शन ज्यादा होगा? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के न्यूज के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।